ये अंधकार कैसा, क्या हो रहा है? ये चारों ओर अंधकार, ये अंधकार तो चारों ओर फैल रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये अचानक अंधकार कैसे छा गया? कहीं ये कोई राक्षसी माया तो नहीं? ये हिंसक पक्षी? सावधान, ये संकेत है कि मेघनाथ अपनी पूर्ण मायावी राक्षसी शक्तियों से सुसज्जित होकर आ रहा है। मेघनाथ ने दो ओर से आक्रमण करने की योजना बनाई है, मुझे शीघ्र ही इसे विफल करना होगा। कल तो ये युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए थे, आज इन्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ नल, आज इन्हें यहीं समाप्त कर देंगे हम। आक्रमण! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! मेघनाथ, कल तो जीवित छोड़ दिया था तुम्हें, जाने दो उसे, परंतु आज तुम नहीं बच पाओगे।
मूर्ख वानर, कल की भूल का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना है तुझे। ये लो मेघनाथ। पुनः अदृश्य हो गया। ओ, तो अब ये माया युद्ध पे उतर आया, किंतु ये अदृश्य होकर गया कहां? मेघनाथ, वो महाराज सुग्रीव पर वार करने वाला है। ये महाराज सुग्रीव पर वार करे, उससे पूर्व ही मेरे बाण उसकी देह को भेद देंगे। ये देश स्वप्न है तुम सबका, कोई नहीं देख पाएगा मुझे, मैं एकाकी ही तुम सबको और तुम्हारी सेना को समाप्त कर दूंगा, और इसका आरंभ मैं वाना राज सुग्रीव से करूंगा। महाराज सुग्रीव पर वार। मैं उन्हें कोई क्षति नहीं होने दूंगा। हनुमान, ये क्या दूसरी ओर से वार? इससे पूर्व ये राक्षस माया युद्ध करके सब कुछ अंत कर दे, आप इस पे आक्रमण करके रोक लीजिए इस राक्षस कुमार को। भैया, आक्रमण करते हुए रुक क्यों गए? नहीं, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिना देखे ध्वनि के आधार पर आक्रमण करना अनुचित ही नहीं, धर्म के विरुद्ध भी है। शब्द भेदी बाण का संधान मेरे पिताश्री के लिए भी घातक सिद्ध हुआ था। बिना देखे आक्रमण करने के कारण पितृभक्त श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता, उससे कहीं ना कहीं विध्वंस होता ही है। इसलिए भले ही शत्रु माया युद्ध करता रहे, परंतु मैं आक्रमण नहीं करूंगा।
मुझ पर भी वार किया उस दुष्ट ने। लक्ष्मण, क्या हुआ? अपने शस्त्र क्यों नीचे कर लिए? मेरी मायावी शक्तियों से भयभीत हो गए? या फिर धर्म और मर्यादा की आड़ में अपने भय को छुपा रहे हो? तुम युद्ध से विमुख हो सकते हो, किंतु मेरी मायावी शक्तियों से नहीं। मेघनाद, तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे लाखों राक्षस आकर मायावी युद्ध करें, फिर भी मैं किसी का तनिक सा भी अहित नहीं होने दूंगा। सामना करूंगा मात्र प्रभु श्री राम के नाम रूपी अस्त्र से। मुझ जैसे लाखों चलो। अब देखता हूं हनुमान, कैसे तुम इन लाखों मेघनाद के वारों से इन दोनों नर सुग्रीव को बचाते हो। तीनों को इसलिए बचा सके क्योंकि ये सब एक स्थान पर थे, किंतु आप
अपनी समस्त सेना को कैसे बचाओगे? ये कैसा मायावी चक्र है? देखता हूं इसे भी। सेना इस धरती की मुड़ती हुई सतह में समाकर समाप्त हो जाएगी। मेघनाद, इसी पुरुषार्थ के बल पर तुम स्वयं को इंद्रजीत कहते हो? इसी मायावी शक्ति का दम है तुम्हें? अरे कायर हो तुम कायर! अगर सत्य में ही तुम्हारी भुजाओं में बल है तो आओ इस मायावी शक्ति को त्याग कर सामना करो मेरा। त्याग दो ये मायावी शक्ति और मुक्त कर दो इन्हें। अच्छा तो लो, अभी मुक्त किए देता हूं मैं। बहुत ही दुष्ट है ये मेघनाद, इसे तो मैं मेघनाथ ने प्रतीत होता है हमारे वानर योद्धा आपस में ही एक दूसरे को शत्रु समझने लगे हैं। कहीं आपस में ही युद्ध न कर बैठे। काकाश्री, आपके कारण मेरे पिताश्री वाली की मृत्यु हुई थी। अब आपका अंत मेरे हाथों होगा। पिता ने विरोध किया, वो मारा गया। अब पुत्र विरोध कर रहा है, वो भी मारा जाएगा। Ah!
है, कैसे रोकूं इन सबको? ये मेघनाथ की उस मायावी चक्र की शक्ति का प्रभाव है, वो इसे हमारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। देख लिया हनुमान, अपने कहे का परिणाम, तुम्हारी अपनी सेना ही एक दूसरे की शत्रु बन बैठी है। इन दोनों नर और सुग्रीव को बचाने वाले हनुमान, मेरे चंगुल में फंसी अपनी सेना को कैसे बचाओगे तुम? लाखों वानर एक दूसरे के रक्त के प्यासे। आनंदम। यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघनाद, ये माया युद्ध छोड़ो। यदि सच्चे योद्धा हो तो सामने से आकर युद्ध करो। मेरे योद्धा होने के लिए मुझे तुम्हारे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मेरी मायावी शक्तियां ही मेरे योद्धा होने का प्रमाण है। अब देखो मेरी मायावी शक्तियों की भयंकर रक्त क्रीड़ा। बस, बहुत क्रीड़ा कर ली तुमने। जय श्री राम। अब और कोई क्रीड़ा नहीं कर पाओगे तुम मेघनाथ। दुष्ट वानर, तुमने मेरे मायावी अस्त्र को तो तोड़ दिया, किंतु मेरे माया के भ्रम जाल में फंसे अपने वानर सैनिकों को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक दूसरे के प्राण ना ले। दुष्ट मेघनाथ, रुकिए, रुक जाइए, रुकिए, क्या कर रहे हो सब लोग? रुकिए, शुक्ला जंगत क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको आपस में युद्ध नहीं करना, राक्षसों से करना है। महाराज सुग्रीव, आपने प्रभु को वचन दिया था कि आप अंगद की सदैव रक्षा करेंगे, और आप ही और युवराज अंगद तुम अपने ही काकाश्री से युद्ध कर रहे हो जिनका तुम सम्मान करते हो। ये सम्मान के योग्य नहीं, वध के योग्य है। वध तो तेरा होगा, मेरे हाथों मरकट। नहीं महाराज सुग्रीव, रुक जाइए। अरे जय श्री राम। यज्ञकूप की माया से प्रभु श्री राम के नाम ने ही उबारा था मुझे। मेरे वानर वीरों को भी इस मेघनाथ की माया के चंगुल से प्रभु श्री राम के नाम की गूंज ही मुक्त कराएगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये हमें क्या हो गया था? जय श्री राम। प्रतीत होता है मेघनाथ की कोई
क्षमा कर दो मित्र, मुझे भी क्षमा कर देना मित्र। पुत्र अंगद, काकाश्री, क्षमा कर दे मुझे मित्र। काकाश्री का प्रभाव नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता। मेघनाथ की माया से ये अभी तक परिचित नहीं है। अब ये दुष्ट मेघनाथ क्या करने वाला है? बात कर लिया तुम वानरों ने इस नर के नाम का जाप, और अब ना तो ये नर जीवित रहेगा और ना इस नर के नाम का जाप करने वाले वानर। अब तुम नहीं बचोगे वानर। हनुमान को परम पिता ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि माया का बंधन हो या कोई अन्य बंधन, इन्हें किसी पाश में नहीं बांधा जा सकता। प्रभु श्री राम तो साधारण नर के रूप में है, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा में बंधे होने के कारण कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। कैसे सामना करेंगे प्रभु इस नाग पाश रूपी अस्त्र का? प्रभु और लक्ष्मण जी तो नाग पाश में फंस गए, अनर्थ हो गया ये तो, स्तंभित कर दिया है नाग पाश ने प्रभु और लक्ष्मण जी को। अभी तो केवल स्तंभित हुए हैं ये दोनों, किंतु दोनों के प्राण हर लूंगा मैं अपने नागास्त्र से। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी, प्रभु, प्रभु,
भैया लक्ष्मण, प्रभु, भैया लक्ष्मण, नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। मेरे नेत्रों के समक्ष ये सब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर। आनंदम, अति आनंदम। दुष्ट मेघनाद। प्रभु, लक्ष्मण भैया, ये क्या महान अर्थ हो गया प्रभु। मेरे साथियों की ये दशा। प्रभु, आपका ये भक्त कैसा हृदय विदारक दृश्य देखने के लिए विवश हो गया है। जब मेरे प्रभु मूर्छित है तो हनुमान क्यों किसी भी पाश में ना बंधने के वरदान से सुरक्षित है। मुझे क्षति न पहुंचने का बस एक ही कारण हो सकता है प्रभु, कि ये भक्त आपकी और सेवा कर सके, और सेवा कर सके। प्रभु उठिए। प्रभु, आपको और वानर सेना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रभु। आप तो धर्म युद्ध कर रहे हैं प्रभु, प्रभु इसी कारण आपने अपना धनुष नहीं उठाया, जिसका अनुचित लाभ उठाकर मेघनाद ने छल से नागपाश का वार किया प्रभु। परंतु धर्म के पथ पर चलने वालों की परीक्षा अवश्य हो सकती है, किंतु पराजय कदापि नहीं। इस नागपाश का तोड़ अवश्य होगा। उठिए प्रभु, मुझे इसका तोड़ बताइए। वचन देता है आपका ये भक्त हनुमान सृष्टि के किसी भी कोने से उसे ढूंढ लाएगा। प्रभु आप बस उठिए। कोई तोड़ नहीं है नागपाश का, उसका प्रभाव अवश्य होकर रहेगा। कल प्रातःकाल लंका में सूर्य की प्रथम किरण प्रवेश करते ही संपूर्ण वानर सेना का अंत हो जाएगा पिताश्री। और इतना ही नहीं, उस वनवासी की मृत्यु के साथ ही देवी सीता आपकी हो जाएंगी। क्या हुआ पिताश्री? कल जब मैं युद्ध में असफल होकर लौटा था तो आपने मुझे कितने कटु वचन कहे, किंतु आज जब मैं राम लक्ष्मण उसकी शत्रु सेना को मरणासन कर लौटा हूं, आपके मुख पर प्रसन्नता का एक भी चिन्ह नहीं। प्रसन्नता मुझे अवश्य होगी पुत्र, परंतु तब जब ये समाचार वो सीता सुनेगी, वो तड़पेगी, तब मुझे प्रसन्नता होगी। विचलित क्यों हो रही हूँ? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अनिष्टकारी शक्ति ने भीतर से जकड़ कर बांध लिया हो मुझे।
विचित्र बात है, यहाँ कोई भी नहीं है। त्रिजटानला सभी कहाँ चली गई? मेरे स्वामी, मेरे राम सब कुशल तो है ना? प्रभु उठिए, अपने भक्त पर दया कीजिए। इस संकट से उबरने का मुझे कोई मार्ग तो दिखाइए प्रभु। उठिए, भ्राता लक्ष्मण, आप तो प्रभु के रक्षा स्तंभ है ना, आप ही कृपा करके मुझे इस अवस्था से मुक्ति कराने का मार्ग बताइए। भैया लक्ष्मण बताइए। भ्राता सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव उठिए। वानर राज सुग्रीव, आप तो वानरों के अधिपति हैं, आपको तो इस समस्या के निवारण का उपाय अवश्य ज्ञात होगा। मामा जामवंत, सदैव के समान आज पुनः हनुमान को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मामा जामवंत उठिए, मुझे बताइए कि मैं इस घोर विपत्ति पर विजय कैसे प्राप्त करूं। मामा जामवंत, मामा मामा उठिए। युवराज अंगद, नल, नील, गवाई, गवाक्ष, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? हनुमान इस संकट को दूर करने के लिए तत्पर है, परंतु इसका उपाय ज्ञात नहीं है मुझे। उठो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण, प्रभु की ऐसी अवस्था, हनुमान की ऐसी पीड़ा और उनकी विलापता का ये दृश्य देखना असहनीय है। मैं चाहता हूं कि सीता अपने पति उस वनवासी की पराजय और उसकी आसन्न मृत्यु का दृश्य अपने नेत्रों से देखे। जाओ, पुष्पक विमान पर ले जाओ उसे, करने दो उसे अपने पति के अंतिम दर्शन। उसके पश्चात लाचार होकर उसे मेरा कहा मानना ही होगा। क्षमा करें महाराज, मुझे ही विश्वास नहीं कि कोई श्री राम का अहित कर सकता है, तो फिर देवी सीता को यह विश्वास दिलाना और उन्हें आपके विमान पर युद्ध स्थल जाने के लिए विवश करना असंभव है। विवश करना होगा उसे, अन्यथा तुम सबको मृत्यु दंड देने के लिए विवश हो जाऊंगा मैं। जब तक दुष्ट रावण इस विमान का स्वामी है, मैं इस पर एक पग भी कैसे रख सकती हूँ? और मुझे ये ज्ञात है कि मेरे स्वामी को कोई क्षति नहीं पहुंची होगी, इसलिए मुझे जाना स्वीकार नहीं। चलना तो तुम्हें होगा ही, अन्यथा हट करोगी तो हम तुम्हें बलपूर्वक लेकर जाएंगे। देवी सीता, मैं जानती हूँ प्रभु श्री राम को कुछ नहीं हो सकता, ये भी लंकेश रावण का कोई मायावी प्रपंच है जो अधिक समय तक नहीं छिपेगा। इसलिए आप रणभूमि चलिए और अपने स्वामी के दर्शन का सुख प्राप्त कीजिए। हाँ माता, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मेरे पिता विभीषण जी भी वहाँ हैं, मैं उनका कुशल क्षेम भी जान लूंगी। मैं लंकेश रावण के भय से आपको अपने साथ चलने के लिए बाध्य नहीं कर रही। मुझे ज्ञात है कि प्रभु के दर्शन के लिए आप अग्नि पर से चलने के लिए भी प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर इस विमान से चलने में संकोच क्यों, जिसे लंकेश रावण ने
महाराज कुबेर से छीना था। मेरा कहा मानिए माता, प्रभु दर्शन के इस अवसर को मत गवाइए। प्रभु भैया लक्ष्मण, कोई उपाय होता तो बताते। दुर्भाग्यवश इस नाग पाश का कोई तोड़ ही नहीं। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे भोले बाबा, अब तो आप ही का आसरा है। आप ही बताइए कैसे प्रभु श्री राम को इस नाग पाश से मुक्त कर सबको इस कठिनाई से मुक्त करो। बताइए, बताइए, आप ही बताइए प्रभु कैसे मुक्त करूं। यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, और ये संसार भी नहीं। आप त्रिदेवों को मुझे नागपाश का तोड़ बताना ही होगा, बताना ही होगा। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे महादेव, हनुमान का रौद्र रूप धारण कर इस प्रकार अपना आकार बढ़ाना तो प्रलय का संकेत। हे महादेव, राम अवतार का प्रयोजन तो रावण वध एवं उसके पापों से संपूर्ण सृष्टि को मुक्त कराना था, परंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक अनिष्टकारी प्रलय संपूर्ण सृष्टि को लील जाए, नष्ट कर देगी उसे। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा हनुमान का पथ प्रदर्शन करना अब अनिवार्य होगी। पुत्र हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव जी। देखिए ना कैसा अनर्थ हो गया। अपने आप को संभालो पुत्र, इस संकट से श्री राम को तुम्हें ही तो उबारना है पुत्र। वही करने के लिए तो हनुमान सदैव तत्पर है प्रभु। प्रभु सेवा तो मेरे जीवन का प्रयोजन है, इस संकट से मुक्ति मेरा उद्देश्य है। परंतु मुझे बताइए ब्रह्मदेव जी, ये कार्य कैसे पूर्ण करें हनुमान। पुत्र, नागपाश का तोड़ गरुड़ देव जी के पास ही है, तुम्हें उनको यहां लाना होगा। सृष्टि की स्थापना से गरुड़ों एवं सर्पों की शत्रुता सर्वविदित है पुत्र। उन्हें देखकर सर्प भयभीत हो जाएंगे और प्रभु श्री राम एवं वानर सैनिकों को अपने पास से मुक्त कर भाग खड़े होंगे।
धन्यवाद प्रभु, तब तो मुझे अति शीघ्र बैकुंठ जाना चाहिए। नहीं पुत्र, ये प्रभु नारायण के विश्राम का समय है, और जब नारायण विश्राम कर रहे होते हैं तब गरुड़ देव अपनी माता विंता की सेवा में रत रहे। हे ब्रह्मदेव जी, आपने मेरी उपाय बताकर मेरी चिंता हर ली, मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्र, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम्हारे पास कल प्रातः लंका में सूर्य की पहली किरण के स्पर्श करने तक का ही समय है। प्रणाम ब्रह्मदेव जी। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो पुत्र। जय श्री राम। माँ की सेवा कर रहे हैं। हे विनता पुत्र गरुड़देव जी, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी सहायता चाहिए। आप जो कोई भी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। इस समय मैं अपनी माँ की सेवा में व्यस्त हूं, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं। पुत्र, एक बार देख तो लो, बाहर कौन गुहार लगा रहा है, क्या पीड़ा है उसे? माता, इस समय स्वयं भगवान भी मेरे चौखट पर क्यों न खड़े हों, तो भी मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा, और माता से बढ़कर तो स्वयं भगवान भी नहीं होते। अब क्या करूं? मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, परंतु पुत्र को मां की सेवा से दूर करना भी तो अनुचित है। जिस हनुमान को मेघनाथ का ब्रह्मपाश नहीं बांध सका, उस पर नागपाश का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा, और जब तक हनुमान सुरक्षित है वो मेरे स्वामी श्री राम को भी कोई हानि नहीं पहुंचने देगा। माता, जब लंकेश को ज्ञात होगा कि आप उनके आदेशानुसार युद्ध स्थल पर नहीं गई, तो वो क्या करेंगे, इसका भय मुझे सता रहा है। क्यों किया मेरे आदेश का उल्लंघन? क्यों नहीं गई तुम रणभूमि में? उस वनवासी को मरणासन्न अवस्था में देखने का साहस नहीं जुटा सकी क्या? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा और उस वनवासी का आत्मा का संबंध है, परंतु वो वनवासी नर तो मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। याद है क्यों? क्योंकि तुम मुझे स्वीकार करो। जिस प्रकार मृत शरीर को घर में नहीं रखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार निकाल फेंको उसे अपने हृदय से और बन जाओ मेरे पटराने। रुक जाओ, वही रुक जाओ तुम राक्षस राज रावण। व्यर्थ स्वप्न देखना छोड़ दो। क्या तुम्हें ज्ञात है तुम्हारे पुत्र ने नागपाश से किस किस को बांधा है? भली भांति ज्ञात है मुझे, उस वनवासी नर को, उसके अनुज को, उस वानर राज सुग्रीव को, संपूर्ण वानर सेना को। और यदि तुम वहां जाते तो स्वयं अपने नेत्रों से देख लेते। ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं।
और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, एक वानर है जिसे तुम्हारा पुत्र बांध नहीं सका। ज्ञात है वो वानर कौन है? हनुमान, 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 वो हनुमान जो देखते ही देखते सबको इस संकट से मुक्त भी करा देंगे। और फिर पूर्व काल में जिस प्रकार तुम्हारी लंका जली थी, उसी प्रकार तुम्हारा अहंकार जलेगा। जलेगी तुम्हारे उस वनवासी नर की चिता। कल प्रातः काल उसका दाह संस्कार दिखाऊंगा तुम्हें। वो वानर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, जो अपनी सेना के मूर्छित वानरों को देखकर भाग गया। तुम अब मात्र हमारे विवाह की प्रतीक्षा करो। पुत्र हनुमान, अब मेरी समस्त आशाएं तुमसे ही जुड़ी है। तुम्हें सुरक्षित होना ही होगा पुत्र, क्योंकि तुम ही मेरे स्वामी शिवराम और उनकी संपूर्ण वानर सेना को इस संकट से मुक्त कराने में सक्षम हो। माँ के विश्वास को टूटने मत देना पुत्र। मुझे सूर्य उदय से पूर्व ही गरुड़ देव जी के साथ लंका पहुंचना ही होगा, परंतु माता के सेवा के पुण्य कर्म में व्यवधान डालना भी तो अनुचित होगा। अब क्या करें हनुमान? गरुड़देव जी, मुझे माता निद्रा मग्न है, कृपया मध्यम स्वर में कहिए, अन्यथा उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मुझे मेरी माता के लिए फल लाने हैं, अन्यथा माता जब निद्रा से उठेंगी तो उन्हें मैं क्या भोजन करवाऊंगा? प्रतीक्षा कीजिए। गरुड़देव जी, मुझे अब से हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं? इस प्रकार गरुड़ देव जी को प्रातः होने से पूर्व लंका कैसे लेकर जाऊंगा? कितनी अधीरता से प्रातः काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। कल लंका में सूर्योदय समय से पूर्व हो जाना चाहिए। मैं समय की मर्यादा से बंधा हूं लंकेश, इसका उल्लंघन करना मेरे लिए धर्म के विरुद्ध होगा। कदाचित आप भूल रहे हैं कि अन्य नवग्रहों के साथ आप भी मेरे अधीनस्थ हैं। मेरे आदेश का पालन कीजिए, अन्यथा सदा के लिए आकाश से मिटने के लिए तैयार हो जाइए। तुम मुझे मेरी मर्यादा भंग करने के लिए विवश कर रहे हो लंकेश, किंतु स्मरण रखना, पूर्व में भी तुमने नवग्रहों को बाध्य करने का प्रयत्न किया था और तब बालक हनुमान ने सबकी रक्षा की थी। किंतु आज जब वो एक महाबली योद्धा है, वो ऐसा अनर्थ कदापि होने नहीं देगा। सूर्यदेव, एक बार तुम्हारी किरणें लंका में प्रवेश कर जाए, फिर मैं देखता हूं महाबली योद्धा क्या कर पाता है। सूर्यदेव, अपनी गति को बढ़ाना मत भूलना। न जाने कब तक आएंगे गरुड़देव, अधिक विलंब हुआ
तो अनर्थ हो जाएगा। रावण ने मुझे समय की मर्यादा भंग करने के लिए बाध्य कर दिया है। पुत्र मुझे जल चाहिए। पुत्र मुझे जल दो। लीजिए माता जल। तुम कौन हो? माता, आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए। नहीं पुत्र, नहीं, ये तुम गरुड़ को ही करने दो। आप मुझे अपना पुत्र भी कह रही हैं और सेवा करने से वंचित भी कर रही हैं। माता, आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। क्या तुम गरुड़ के मित्र हो? और तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। माता, मैं चिंतित इसलिए हूं कि इस समय प्रभु श्री राम के जीवन पर बहुत बड़ी विपदा आई है। लंका में उन्हें एक मायावी राक्षस प्राण घातक नागपाश में बांध दिया है। माता, मात्र गरुड़ जी ही उन्हें नागपाश से मुक्त करा सकते हैं, किंतु गरुड़ जी आपकी सेवा में रत थे, इसलिए उन्हें नहीं बता पाया। अन्यथा आपकी निद्रा भंग हो जाती। माता, यदि प्रभु सूर्य उदय से पहले नागपाश से मुक्त नहीं हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता, चिंता मत करिए हनुमान। हम समय रहते लंका पहुंच जाएंगे। गरुड़ देव, आप चलेंगे ना? हनुमान, प्रभु श्री राम प्रभु नारायण के अवतार हैं और मैं उनका वाहन हूं। वो विपदा में है तो मैं यहां कैसे रुक सकता हूं? शीघ्र चलिए, सूर्यदेव की प्रथम किरण से पूर्व हमें लंका पहुंचना होगा। क्षमा करें प्रभु, हनुमान तो देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं और हम देवता होकर हनुमान के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करें, क्या ये उचित है? अरुण देव, हनुमान मेरा शिष्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इस संकट से तो मुक्ति दिलाएगा ही, मुझे भी समय की मर्यादा को भंग करने से बचाएगा। सेना लंका में अचेत पड़ी हुई है। दुष्ट रावण कोई क्रूरता करे, उसे पूर्व हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए। जय श्री राम। सूर्य की रश्मियां तो लंका की धरती को स्पर्श करने ही वाली हैं।
ब्रह्मदेव की किरणें तो बहुत ही तीव्रता से लंका की ओर बढ़ रही है। हनुमान एवं गरुड़देव इनसे पहले कैसे पहुंच पाएंगे? हनुमान, यदि हम सूर्य की किरण से भी अधिक तीव्र गति से लंका पहुंच भी गए तब भी हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि हम प्रभु एवं अन्य सबको नागपाश से बचा पाएं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हो? क्या भूल गए कि बाल्यकाल में तुमने क्या किया था? तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम सूर्य देव की रश्मियों को लंका तक पहुँचने से रोक सकते हो। उचित है, मैं किरणों को रोकने का प्रयास करता हूँ। आप शीघ्र जाकर सबको संकट से मुक्त करिए। हाँ हनुमान, मैं शीघ्र जाता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। सूर्य ने अपनी गति तीव्र कर दी है। अब लंका में सूर्य अपने नियत समय से पूर्व ही उदित हो जाएगा। सूर्य की किरणें अभी भी लंका की ओर बढ़ रही हैं। मेरी चेतावनी से भयभीत हो गया है सूर्य, इसलिए समय से पूर्व ही अपनी किरणें लंका तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है वो। हमारी विजय हो ही गई। ये आज क्या हो रहा है? सूर्य देवता होकर भी अन्याय का साथ कैसे दे सकते हैं? मेरे नेत्र जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता, धर्म परास्त नहीं हो सकता, मर्यादा परास्त नहीं हो सकती, ना ही मेरे स्वामी श्री राम को कोई परास्त कर सकता है, ना ही संकट मोचन हनुमान को परास्त किया जा सकता है। ये धर्म का प्रकाश है त्रिजटा, सूर्य का नहीं, गरुड़ है। मेरे प्रभु श्री राम को संकट से उबारने के लिए आए, अवश्य ही संकट मोचन हनुमान ने इस असंभव कार्य को संभव किया। महाविषधर नागों का भक्षण कर जाने वाले गरुड़ देव क्षण भर में नागपाश को तोड़ देंगे। Ah!
प्रभु को विष बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है दुष्ट नागो तुमने। प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु अब मैं आपको और कष्ट सहन नहीं करने दूंगा। संपूर्ण वानर दल भी विष बाधा से ग्रसित है। हनुमान ने मुझे यहां तक पहुंचाया, सूर्य की किरणों को बाधित किया। अब आपकी सेवा करने का अवसर मेरा है। प्रणाम गुरुदेव, मैं क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक गुरुदेव अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते तब तक मैं आपका मार्ग बाधित करने के लिए विवश हूं। प्रभु श्री राम को संकट से मुक्त कराने के लिए, धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाले योद्धाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है गुरुदेव। दुष्ट नागो, अब तुम्हें गरुड़ का भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुखद आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है मेरे स्वामी पर आया हुआ संकट टल रहा है। जय श्री राम। ये क्या? अकस्मात ही ये प्रकाश कैसे लुप्त होने लगा? राधा लंकेश! मेरा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया हनुमान। मैंने प्रभु और संपूर्ण वानर सेना को नागों और विष बाधा से मुक्त कर दिया है। अब शीघ्र ही सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम प्रभु की सेवा में जा सकते हो हनुमान, और मैं इन नागों का भोग लगाऊंगा। गरुड़देव, आपने प्रभु और सभी को इस संकट से मुक्त करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। आपको हुई असुविधा के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। धर्म युद्ध के लिए आपके मार्ग को अवरुद्ध करना मेरे लिए अनिवार्य था गुरुदेव। तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, क्योंकि सूर्य उदय अब अपने नियत समय पर ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रावण ने मुझे समय से पूर्व ही सूर्य उदय करने के लिए विवश किया था। मुझे समय सीमा की मर्यादा तोड़ने से रोक कर तुमने मुझे अधर्म करने से बचा लिया हनुमान। अब तुम शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास जाओ। प्रणाम गुरुदेव।
अवश्य ही सूर्य देवताओं से मिल गया है। छल किया है उसने हमारे साथ। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, सूर्य का प्रताप लुप्त हो गया है। लंका में पुनः अंधकार छा गया है, जैसे कि सूर्य उदित हुआ ही ना हो। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि उन नर और वानरों को बचाने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा गया है। खोलिए प्रभु, आपको इस स्थिति में और नहीं देख सकता मैं। प्रभु 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 उठिए, प्रभु उठिए, प्रभु 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 उठिए, प्रभु प्रभु उठिए ना, प्रभु उठिए। राम लखन से ना मूर्छिता, किंतु पवन सुत विपदा विजेता। संकट मोचन कष्ट निवारी, नागपाशम सेनाओ बारी। सियाराम सियाराम जय हनुमान। नव ऊर्जा उत्साह नवीना, वानर सेना को हनुमत दीन्हा। विकट विपत्ति जो भी आए, पवन तनय ही पार लगाए। सियाराम सियाराम जय हनुमान। राम सियाराम सियाराम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली। प्रभु, प्रभु, धन्यवाद हनुमान, तुमने पुनः उपकार किया है राम के जीवन की रक्षा करके। प्रभु, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, विनता पुत्र गरुड़देव जी हैं। उन्होंने ही आपको और सबको नागपाश से मुक्त कराया है प्रभु। किंतु हनुमान, गरुड़ को यहां तुम लाए, सूर्य देव को तुमने अधर्म से बचाया। मेरा आशीर्वाद है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त होगा और तुम्हें स्मरण करेगा, तो उसके कष्ट का निवारण शीघ्र ही हो जाएगा। प्रभु, आप हैं तो हनुमान है, आपके बिना हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आप ही के प्रताप से हुआ है। प्रभु, हनुमान,
रावण के साथ छल करने का दुस्साहस किया तुमने। मैंने कोई छल नहीं किया लंकेश, मैंने तुम्हारे निर्देश अनुसार अपनी गति बढ़ा दी थी, किंतु मेरा मार्ग अवरुद्ध किया हनुमान ने। महाविकराल रूप लेकर उसने मेरी रश्मियों को रोके रखा, और इसी मध्य मेरे समान देदीप्यमान तेज से आलोकित गरुड़ देव ने रणभूमि में जाकर सबको नागपाश से मुक्त कर दिया। प्रभु, हमें मृत समझकर राक्षस आनंद के साथ निद्रा मग्न होंगे, उन्हें हमारे जीवित होने का प्रमाण दे देना चाहिए। मेरे वीर वानर योद्धाओं, मेघनाथ के इस कृत्य को पराक्रम समझकर प्रसन्न होने वाले उन राक्षसों के कानों तक हमारे जीवित रहने और युद्ध के लिए पूर्ण सज्जित होने का संकेत भेज दो। कुशल होने की है, जो अब हर एक राक्षस के हृदय को भय से प्रकंपित करेगी। ये नर और वानर तो पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अब और देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। ये तुम राक्ष लंकेश। वज्रधनुष्ट जय लंकेश। अकंपन जय लंकेश। प्रास जी लंकेश। प्रभु, आज हमारी सेना को और भी सतर्क एवं सावधान रहना होगा, क्योंकि इस असफलता के पश्चात रावण अपने सबसे अधिक दुर्दांत मायावी राक्षसों को युद्ध के लिए भेजेगा। तुम चारों मेरे सर्वोत्तम रक्ष योद्धा हो, मेरे निपुण मारण यंत्र। तुम में से एक एक योद्धा उस संपूर्ण वानर सेना को एकाकी ही कुछ ही क्षणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हो, फिर भी मैं तुम चारों को एक साथ भेज रहा हूं ताकि आज ही हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। तुम सभी मुख्य सेना नायक प्रहस्त के नेतृत्व में आज ही युद्ध भूमि में उतरोगे। जो आज्ञा लंकेश। ये बीड़ा मैं तुम्हें सौंपता हूं प्रहस्त, मुझे वचन दो कि तुम उस संपूर्ण वानर सेना का अंत करके ही यहां लौटोगे। मैं वचन देता हूं महाराज।
कि आज वानर सेना को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। धूम्राक्ष अपने मायावी धूम्र से सबको शिला प्रतिमा बना देगा। पीछे पीछे संभल कर मित्रों, पीछे संभल कर। और वज्रदंड्रष्ट शिलावने वानरों पर अपने घातक शस्त्र से वार करके उन्हें चूर चूर कर देगा, जिससे कि वो पुनः जीवित ही ना हो सके। अकंपन जब अपने कच्छप रूप में आकर वार करेगा तो कोई भी वानर योद्धा उसके समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा। संभल कर, छोड़ो पीछे मित्रों, संभल कर, संभल कर, संभल कर। और अंततः मैं आगे बढ़कर स्वयं सुग्रीव का अंत कर दूंगा। किसी को अधर्म करने से रोकना सबसे बड़ा धर्म है।